अस्सलाम वालेकुम। दी मैथ्स मेंटोर के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम 9th क्लास यूनिट 5 के सेकंड लेक्चर देखेंगे, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 9th क्लास की बेसिकली ये फैक्टराइजेशन पे मुश्तमिल है। इसमें आपको फैक्टराइज करना पड़ता है। फैक्टराइजेशन 8th क्लास की हद तक देखी जाती है, उसमें कॉमन आ जाता है, फिर उसके बाद पेयरिंग आ जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स थोड़े उनसे आगे जाते हैं। तो बाकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला वही अप्लाई होता है, कॉमन भी आते हैं, लेकिन कुछ थोड़ी इजाफी चीज़ें इसमें डाल देते हैं। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। इन तमाम के क्वेश्चन जो हैं उनका सिर्फ एक ही वो वर्ड लिखता है फैक्टराइज। फैक्टराइज लिखने के बाद स्टेटमेंट दे देता है, स्टेटमेंट में आप फिर उसको आगे फैक्टराइज करते हैं। एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3। अब ये तीन आपके पास टर्म्स हैं। अब आप अगर फार्मूला देखें a प्लस बी एज ए होल स्केयर या a माइनस बी एज ए होल स्केयर, तो उसमें आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर, उसके बाद साथ में क्या होता है प्लस 2ab होता है या क्या होता है माइनस 2ab होता है। अब प्लस 2ab हो या माइनस 2ab, वो तो डिपेंड करता है कि आप क्लोज करेंगे जब, अगर 2ab के साथ प्लस हो तो माइनस हो, ए प्लस बी एज होल स्केयर में क्लोज होगा, अगर माइनस हो तो ए माइनस बी एज होल स्केयर में क्लोज होगा। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे दो स्केयर मौजूद हैं, ए स्केयर यानी एक्स स्केयर का स्केयर, ये आपके पास ये स्केयर बनेगा। दूसरा 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 यानी 1 ओवर एक्स स्केयर का स्केयर, ये आपके पास प्लस बी स्केयर बना। अगर प्लस 2ab बनाना है, माइनस 2ab बनाना है, अगर तो आप इस साइन को देखें, यहाँ तो माइनस है, तो इस माइनस के साइन के लिहाज से क्या बनेगा माइनस 2ab, लेकिन साथ में क्या मौजूद है 3 मौजूद है। अब माइनस 2ab बनाने के लिए हमें तो 3 नहीं चाहिए, हमें तो 2 चाहिए, तो इसलिए हम माइनस 3 को क्या लिख देते हैं माइनस 2 माइनस 1 लिख देते हैं। ये चीज़ आपके पास क्या बनेगी माइनस 2, इसके साथ ए क्या है एक्स स्केयर, बी क्या है 1 ओवर एक्स स्केयर। ये वाला जो माइनस 1 है ना, इसको हमने अलहदा कर दिया, बाहर निकाल दिया। ये सारी चीज़ एक फार्मूले में क्लोज हो गई, आप कहें यहाँ से लेकर इधर तक ये सारी चीज़ फार्मूले में क्लोज हो गई। अब फार्मूला आपके पास क्या बन रहा है एक्स स्केयर का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर का स्केयर माइनस 2 एक्स स्केयर इंटू 1 ओवर एक्स स्केयर। तो ये सारा फार्मूला क्लोज होके किस में जा रहा है एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर एज ए होल का स्केयर। आगे 1 था तो 1 का स्केयर यू नो 1, इसको मैंने 1 का स्केयर लिख दिया। रीज़न इज दैट कि ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर में लिखा जाएगा। अब ए आपके पास है एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर, बी क्या है 1, तो ए माइनस बी, ए आपके पास क्या है एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस बी क्या है 1। ए स्केयर ए प्लस बी यानी एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस बी यानी प्लस 1। तो ये आपका क्या हो चुका है फैक्टराइज हो चुका है। फैक्टर यू नो, आगे जो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म या ब्रैकेट की फॉर्म में आ जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है फैक्टर कहा जाता है। उसके बाद पार्ट नंबर 2, 3x रेज टू पावर 4 प्लस 12 वाई रेज टू पावर 4। अब 3 आप जानते हैं किसी चीज़ का स्केयर नहीं है, ना ही 12 है, तो चूंकि 3 कामन आ रहा है तो हमने 3 कामन ले लिया ताकि ये आगे कुछ स्केयर में जा सकें, जिससे हम आगे इसको सॉल्व कर सकें, प्लस 2ab बना सकें या माइनस 2ab बना सकें। तो 3 कामन लिया तो अंदर क्या बच गया एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 4 वाई रेज टू पावर 4। एक्स रेज टू पावर 4 ये किसका स्केयर है एक्स स्केयर का स्केयर, प्लस 4 वाई रेज टू पावर 4 ये किस चीज़ का स्केयर है 2 वाई स्केयर का स्केयर। अगर आप इसको लिखें प्लस 2ab तो ये a आपके पास क्या है एक्स स्केयर, बी क्या है 2 वाई स्केयर प्लस 2, ए क्या है एक्स स्केयर, बी क्या है 2 वाई स्केयर। तो a प्लस बी एज ए होल स्केयर, a प्लस बी एज ए होल स्केयर ये क्या होगा एक्स स्केयर प्लस 2 वाई स्केयर का स्केयर। आपने ये चीज़ अपनी तरफ से ऐड की थी यानी प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर 2 वाई स्केयर, ये बनता कितना है 2 इंटू 2 4 4 एक्स स्केयर वाई स्केयर। तो ये चूंकि अपनी तरफ से ऐड की थी क्वेश्चन को, अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट रखने के लिए हम एक्स 4 एक्स स्केयर वाई स्केयर क्या कर देते हैं माइनस भी कर देते हैं। अब ये वाली जो चीज़ है ना, इधर से लेकर ये कंप्लीट ये वाली चीज़, ये आपको क्या देती है एक फार्मूला देती है जो कि क्लोज होकर किस में लिखा जाता है
एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर एज ए होल का स्क्वायर। और उसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ क्या है, फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टू एक्स वाई एज ए होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद थ्री चूँकि हमने कॉमन लिया था तो कॉमन की सूरत में बाहर पड़ा हुआ है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन चुकी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, इसको आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस बी यानी प्लस टू एक्स वाई, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर यानी ए माइनस बी यानी माइनस टू एक्स वाई, थ्री बाहर कॉमन में वही रहेगा साथ। उसके बाद थर्ड पार्ट है ए रेस टू पावर फोर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर बी रेस टू पावर फोर। अब ए रेस टू पावर फोर आपके पास ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है, आगे थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इसको अगर देखें और साथ में ये दूसरी चीज़ देखें फोर बी रेस टू पावर फोर, ये ए स्क्वायर बना और ये क्या बना फार्मूले के तहत बी स्क्वायर बना। ये दरमियान में ये जो चीज़ पड़ी हुई है ना, ये टू ए बी प्लस का बनाएगी या तो माइनस का बनाएगी, क्योंकि फार्मूला हमने ए प्लस बी एज ए होल स्क्वायर बनाना है या तो ए माइनस बी एज ए होल स्क्वायर बनाना है। अब थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, प्लस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या देंगे थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर। लेकिन हमने दोबारा वही आंसर नहीं लेना, हमें अपने जो क्वेश्चन जिस तरह बनाना है उसी से मतलब है। अब देखें ए रेस टू पावर फोर ए स्क्वायर का स्क्वायर है और फोर बी रेस टू पावर फोर किसका स्क्वायर है, टू बी स्क्वायर का स्क्वायर है, दरमियान में क्या है प्लस टू ए बी, तो प्लस टू ए आपके पास क्या है ए स्क्वायर और बी क्या है टू बी स्क्वायर, तो टू इंटू टू फोर ए स्क्वायर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। ये कम्प्लीट फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस टू बी टू बी स्क्वायर एज ए होल का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे ए बी एज ए होल का स्क्वायर, तो देखें अगेन फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए आपके पास क्या है ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर और बी क्या है ए बी, ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है। इसके ये दो तीन टाइप्स हैं इसी लिहाज से चलती जाती हैं। तो आगे पार्ट नंबर फोर, पार्ट नंबर फोर में क्या बताता है, फोर एक्स रेस टू पावर फोर प्लस एटी वन। अब फोर एक्स रेस टू पावर फोर आपके पास ये किस चीज़ का स्क्वायर है, टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और एटी वन किस चीज़ का स्क्वायर है, नाइन का स्क्वायर है। साथ में क्या आएगा प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी, क्योंकि इधर ना तो प्लस टू ए बी में कुछ गिवन है और ना ही माइनस टू ए बी में क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो हम अपनी तरफ से प्लस टू ए बी इसमें डाल देते हैं और क्वेश्चन को मुकम्मल रखने के लिए माइनस टू ए बी भी साथ डाल देते हैं। अब प्लस टू ए बी टू ए, ए आपके पास क्या है ये वाला टू एक्स स्क्वायर, बी क्या है नाइन, टू टू टाइम फोर नाइन, फोर से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर। अब थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर आपने प्लस किया तो थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर आपको माइनस बी करना पड़ेगा, तो हमने माइनस बी किया। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एज ए होल का स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर, वो क्या बनेगा सिक्स एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स और ए माइनस बी यानी टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स, ये आपका फैक्टराइज हो चुका। और ये था आपका पार्ट नंबर फोर। उसके बाद पार्ट नंबर फाइव, एक्स रेस टू पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव। अब इसमें देखें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। उसके बाद ट्वेंटी फाइव है, ये फाइव का स्क्वायर है, ये भी हम बी स्क्वायर दे सकते हैं नहीं दे सकते। अब इसमें आपको क्लियर क्या करना है कि इसमें ए स्क्वायर क्या है और इसमें बी स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आपके पास क्या बनेगा ए स्क्वायर। उसके बाद अगर आप इसको देंगे बी स्क्वायर देंगे एक्स एक्स के स्क्वायर को बी स्क्वायर देंगे तो प्लस टू ए बी में ट्वेंटी फाइव कैसे पूरा करेंगे, इसलिए हम बी स्क्वायर किसको देंगे ट्वेंटी फाइव को यानी फाइव का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और ये वाली चीज़ जो है ये क्या बनेगी बी स्क्वायर। दरमियान में चूँकि प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे प्लस टू ए बी,
जब प्लस टू ए बी लिखेंगे तो ये आपके पास 5 2 टाइम क्या आ जाएगा, 10x2। लेकिन ऊपर क्वेश्चन में क्या मौजूद है, x2। तो x2 प्लस x2 को कंप्लीट रखने के लिए इधर ये 10x2 बना है, हम माइनस भी खुद से क्या कर देते हैं, माइनस ये 9x2 लिख देंगे। तो आपने 9x2 माइनस कर दिया तो आपके पास ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी यानी प्लस x2 भी कंप्लीट रहा और आपने अपना फार्मूला भी कंप्लीट कर दिया। अब फार्मूला कैसे कंप्लीट है आपके पास, ये ए स्क्वेयर ये देखें x2 का स्क्वेयर प्लस b2 यानी 5 का स्क्वेयर प्लस 2ab यानी 2 इंटू x2 इंटू 5, ये आपके पास a प्लस बी एज ए होल का स्क्वेयर बन गया। उसके बाद 9x2, 9 यू नो 3 का स्क्वेयर है और x2 किस चीज़ का स्क्वेयर है, x का। तो ये आपके पास एक और अलहदा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म बन गया। अब उसको हमने क्लोज करके क्या लिखा, x2 प्लस 5 एज ए होल x2 प्लस 5 एज ए होल स्क्वेयर, उसके बाद 3x का स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए प्लस बी यानी x2 प्लस 5 प्लस 3x, ए माइनस बी यानी x2 प्लस 5 माइनस 3x, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है, आई थिंक इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो x रेस टू पावर 4 प्लस 4x2 प्लस 16, x रेस टू पावर 4 आपके पास क्या बनेगा, x2 का स्क्वेयर। सेम पिछले पार्ट की तरह आप इस 16 को बी स्क्वेयर नहीं दे सकते क्योंकि अब सॉरी इस 16 को बी स्क्वेयर देंगे, आप इस चीज़ को बी स्क्वेयर नहीं देख सकते क्योंकि 16 अकेला 2ab कंप्लीट नहीं कर सकता। अब ए स्क्वेयर आपके पास क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वेयर और बी स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वेयर। और प्लस 2ab लिखते हुए एक दफ़ा इस चीज़ को इग्नोर कर दें तो प्लस 2a आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखें x2 बी ए वाला क्या आ जाएगा, 4। तो 4 2 टाइम क्या आ जाएगा, 8। और ऊपर अब देखें यहाँ क्या मौजूद है, 4x2, इधर आपके पास क्या बन रहा है, 8। आपने पूरा क्या रखना है, 4x2। इसके लिए 4x2 हम क्या कर देते हैं, माइनस भी कर देते हैं। तो पहले ही आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab ए प्लस बी एज होल स्क्वेयर और ये 4x2 किसका स्क्वेयर बना, 2x का स्क्वेयर। तो x2 प्लस 4 एज होल स्क्वेयर माइनस 2x2 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी आपके पास क्या, x2 प्लस 4 प्लस 2x, x2 प्लस 4 माइनस 2x, ये आपके पास बना ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपके पास फैक्टराइज हो चुका। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं, इसमें पेयर बनाने हैं। पेयर यू नो फर्स्ट और लास्ट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। आपको ऐसा पेयर ढूंढना पड़ता है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल यानी 48x2 भी पूरा हो और प्लस माइनस करने से सेंटर वाला प्लस 14x भी पूरा हो। तो पेयर आपके पास क्या बना, प्लस 6x प्लस 8x, इन दोनों में से x कॉमन लें, इन दोनों में से प्लस 8 कॉमन लें तो x प्लस 6 आएगा। अब एक पहली टर्म के अंदर भी x प्लस 6 मौजूद है, दूसरी टर्म के अंदर भी x प्लस 6 मौजूद है, तो x प्लस 6 इंटू x प्लस 8 आपके पास आ जाएगा। अब ये आपके पास फैक्टराइज हो चुका है, इसका पार्ट नंबर 2 x2 माइनस 21x प्लस 108 मल्टीप्लाई करने से 108x2 पूरा और प्लस माइनस करने से माइनस 21x पूरा हो। तो पेयर इसका बनेगा माइनस 12x और माइनस 9x। तो पहले में से x कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस 9 कॉमन लेंगे, तो बीच में आपके पास जो रह जाएगा x माइनस 12 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 12 इंटू x माइनस 9। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है आपके पास, पार्ट नंबर 3 में x2 माइनस 11x माइनस 42, अगेन मल्टीप्लाई करने से माइनस 42x2 पूरा हो, प्लस माइनस करने से क्या पूरा हो, माइनस 11x। तो फिर आप ढूंढेंगे माइनस 14x प्लस 3x, तो माइनस 14 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, माइनस 42 देगा, और माइनस 14 प्लस 3 आंसर में प्लस माइनस में क्या देगा, माइनस 11 ये वाला देगा। तो पहले में से आप क्या काम लेंगे, x काम लेंगे, दूसरे में से क्या काम लेंगे, प्लस 3 काम लेंगे, इसमें से x काम लेंगे तो x इंटू x माइनस 14 बचेगा, इसमें से प्लस 3 काम लेंगे तो x माइनस 14 आपके पास रिमेनिंग में आएगा। तो x माइनस 14 आपके पास ये पहले में भी मौजूद है, दूसरे में भी मौजूद है टर्म में, तो x माइनस 14 आप क्या ले लेंगे, काम लेंगे। जब x माइनस 14 आपके पास कॉमन आएगा
तो देखिए आपके पास x माइनस 14 वेदर क्या बन जाएगा x प्लस 3। तो पार्ट नंबर 4 है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। तो अब इसका पेयर आपको मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस 132 भी पूरा करना है एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस करने से प्लस एक्स भी पूरा करना है। तो पेयर आपके पास बनेगा प्लस 12x माइनस 11x आपके पास पेयर बनेगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 12x, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 12 आ जाएगा, इसमें से माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 आ जाएगा। अब x माइनस 12 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इंटू क्या आ जाएगा x माइनस 11। तो पार्ट नंबर 4 ये आपका फैक्टराइज हो चुका है। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है, सॉरी पार्ट नंबर 5 ये पार्ट इसके 4 ही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, इसका पहला पार्ट है 4x² प्लस 12x प्लस 5। आपको मल्टीप्लाई करने से क्या मिला पहला और लास्ट को, ये देखें 4x² और 5 को प्लस 20x². तो फिर आपको ऐसा ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 20x² प्लस का पूरा और प्लस माइनस करने से प्लस 12x भी पूरा हो। तो पेयर है प्लस 10 और प्लस 2, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 20x² पूरा हुआ, अगर प्लस माइनस करें तो प्लस 10 और प्लस 2। तो पहले में से आप क्या काम लेंगे, 2x काम लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 5। दूसरे में से इसमें से आप क्या काम लेंगे, प्लस 1 काम लेंगे, क्योंकि 2x प्लस 5 जो अंदर बचाना है, और ये पहले क्या मौजूद है 2x प्लस 5। अब प्लस 1 जब आप काम लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 5। अब 2x प्लस 5 पहली टर्म के अंदर भी मौजूद है, 2x प्लस 5 दूसरे में भी मौजूद है, तो 2x प्लस 5 काम लेंगे। जब 2x प्लस 5 काम लेंगे इधर क्या बचेगा 2x, ये आ गया 2x, और इसमें भी क्या बचेगा फिर प्लस 1, ये क्या हो गया 2x प्लस 1। उसके बाद पार्ट नंबर 2 जो आपके पास है यह है 30x² प्लस 7x माइनस 15। तो आपको ऐसा पेयर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई होने से आपको 450x² दे माइनस का, और प्लस माइनस से प्लस 7x दे। तो इसके लिए पेयर आपके पास है प्लस 25 माइनस 18x। तो इसको अगर आप पहले 30x² प्लस 25x में से आप कॉमन लेंगे, क्या 5x कॉमन लेंगे, और दूसरे में आपके पास माइनस 18x माइनस 15 में से आप क्या लेंगे माइनस 3 कॉमन लेंगे। पहले में से 5x कॉमन लिया तो 6x प्लस 5 बचा, दूसरे में से टर्म में से माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा 6x प्लस 5। 6x प्लस 5 पहली टर्म में भी मौजूद है, दूसरे में भी मौजूद है, तो 6x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या आएगा 5x माइनस 3 आपके पास आ जाएगा। तो 6x प्लस 5 इंटू 5x माइनस 3, ये आपके पास क्या मौजूद है आंसर मौजूद है। पार्ट नंबर 3 24x² माइनस 65x प्लस 21। आपको ऐसा पेयर ढूंढना है जो कि इसके दोनों के मल्टीपल के इक्वल हो, यानी 24x² और प्लस 21 के, और दूसरा ऐसा पेयर ढूंढना है जो सेंटर वाली टर्म यानी माइनस 65x को भी पूरा करे। इसके लिए पेयर आपके पास क्या मौजूद है माइनस 56x माइनस 9x। तो पहले में से आप क्या कॉमन ले लेंगे 8x कॉमन लेंगे, 8x जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा प्लस 3x माइनस 7, और जब प्लस 3x माइनस 7 बचेगा तो दूसरे में प्लस 3x माइनस 7 हासिल करने के लिए आप क्या लेंगे माइनस 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि ये प्लस फिर किस में चला जाएगा माइनस में, आपके पास पहले इधर माइनस 3, तो माइनस 3 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 7 बचेगा। अब 3x माइनस 7 दोनों टर्म्स में, तो 3x माइनस 7 आपने कॉमन लिया तो इधर क्या बचा 8x माइनस 3। पार्ट नंबर 4 है आपके पास 5x² माइनस 16x माइनस 21। आपके यहाँ पेयर बनेगा प्लस 5x माइनस 21। तो पहले में से अगर आप 5x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 बचेगा, इसमें से माइनस 21 कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा x प्लस 1। x प्लस 1 चूंकि दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद है तो कॉमन ले लें, x प्लस 1 कॉमन आ गया तो आपके पास रिमेनिंग में क्या आएगा 5x माइनस 21। तो x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 21, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 आपके पास है 4x² माइनस 17xy प्लस 4y², आप यहाँ पेयर ढूंढेंगे माइनस 16x और xy और माइनस xy। तो 4x आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 4y बचेगा, माइनस y कॉमन लेंगे तो x माइनस 4y
फोर वाई अंदर बचेगा। एक्स माइनस फोर वाई आपने जब कॉमन लिया तो ये एक्स माइनस फोर वाई आ गया, ये इधर आ गया, ये पहले, उसके बाद यहाँ रिमेनिंग में क्या है, फोर एक्स माइनस वाई, तो फोर एक्स माइनस वाई आपके पास आ गया। तो इसका जो फैक्टर आपके पास है, फैक्टराइज करने से आपके पास है एक्स माइनस फोर एक्स इंटू फोर एक्स माइनस वाई। पार्ट नंबर सिक्स आपके पास है थ्री एक्स स्क्र माइनस थर्टी एट एक्स वाई माइनस थर्टीन वाई स्क्र, तो थ्री एक्स स्क्र माइनस थर्टी एट एक्स वाई माइनस थर्टीन वाई स्क्र, इसके अगर आप पेयर बनाएं तो प्लस थर्टी नाइन एक्स वाई और प्लस माइनस थर्टी नाइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो इसमें से अगर आप थ्री एक्स कामन लें तो एक्स माइनस थर्टीन वाई, इसमें से अगर प्लस वाई कामन लें तो एक्स माइनस थर्टीन वाई इधर बचेगा। एक्स माइनस थर्टीन वाई दोनों में मौजूद है तो कामन ले लें तो थ्री एक्स प्लस वाई आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास दो फैक्टर जो इसके बने, एक्स माइनस थर्टीन वाई और थ्री एक्स प्लस वाई। उसके बाद पार्ट नंबर सेवन, फाइव एक्स स्क्र प्लस थर्टी थ्री एक्स वाई माइनस फोर्टीन वाई स्क्र, तो इसका पेयर क्या बनेगा, थर्टी फाइव माइनस टू। तो आपके पास पहले में फाइव एक्स कामन लें तो एक्स प्लस सेवन वाई बचेगा, माइनस टू वाई कामन लें तो एक्स प्लस सेवन वाई बचेगा। एक्स प्लस सेवन वाई अब दोनों में मौजूद है तो एक्स प्लस सेवन वाई इधर कामन आके आ जाएगा, उसके बाद इधर फाइव एक्स और क्या बचेगा, माइनस टू वाई। यहाँ पे वैसे y आना चाहिए, जो लिखना भूल गया आप y साथ लिख लीजिएगा। तो बाकी रेस कर देते हैं, y रहने देते हैं, ये 2 के साथ y आपने ज़रूर लिखना है। उसके बाद पार्ट नंबर 8 जो कि इस क्वेश्चन का आई थिंक लास्ट पार्ट है, 5x माइनस वन ओवर एक्स एज ए होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या मौजूद है, 4। आप इसके पेयर बनाना चाहें पेयर भी बन सकते हैं, या ए प्लस बी एज ए होल स्क्वायर फार्मूला से भी करना चाहें तो ए प्लस बी एज ए होल स्क्वायर फार्मूला से, ये पहला ए स्क्वायर है, ये फोर किसका स्क्वायर है, टू का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू टू इंटू फाइव एक्स माइनस वन ओवर एक्स। तो इसको आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी एज ए होल स्क्वायर, ए क्या आ जाएगा फाइव एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस बी क्या आ जाएगा टू एज ए होल स्क्वायर। तो ये भी आपके पास क्या हो चुका, फैक्टराइज हो चुका। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस टाइम में आपको एक चीज़ क्लियर नज़र आएगी कि आपके पास ये दो फैक्टर बने हुए होंगे। इसमें जो फर्स्ट टर्म होगी, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स है, दूसरे फैक्टर के अंदर भी सेम टू सेम वही चीज़ होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स को आप किसके इक्वल पुट करेंगे, कोई अनदर वेरिएबल, जैसे हमने वाई लिया तो वाई के इक्वल पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स को आपने क्या पुट किया, वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स की जगह क्या आ गया, यहाँ पर वाई आ गया, आगे प्लस फोर वाई प्लस सिक्स, तो बाहर क्या मौजूद है, माइनस थ्री। अब वाई प्लस फोर वाई प्लस सिक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास क्या आंसर बना, इनकी मल्टीप्लीकेशन के बाद वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस फोर वाई प्लस ट्वेंटी फोर, तो माइनस थ्री साथ आ गया, प्लस सिक्स वाई प्लस फोर वाई ये क्या दे गया, प्लस टेन वाई प्लस ट्वेंटी फोर माइनस थ्री ये क्या देंगे, प्लस ट्वेंटी वन। उसके बाद आप इसको फैक्टराइज यानी इसके पेयर बनाएंगे, आप पेयर आपके पास बनते हैं प्लस सेवन वाई प्लस थ्री वाई, तो मल्टीप्लाई करने से प्लस टेन वाई, मल्टीप्लाई करने से प्लस ट्वेंटी वन वाई स्क्वायर पूरा होता है, प्लस माइनस करने से प्लस टेन वाई। अब इन दो फर्स्ट टू में से y कामा ले लेंगे तो y प्लस सेवन बचेगा, इन दो में से तो प्लस थ्री कामा लेंगे तो y प्लस सेवन आएगा। अब y प्लस सेवन दोनों में मौजूद है तो y प्लस सेवन कामन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा y, इधर क्या बचेगा प्लस थ्री। तो ये आपके पास दो आ चुके हैं, एक y प्लस सेवन एक y प्लस थ्री, चूँकि आपने y उधार लिया था यहाँ पे, यानी x के प्लस फाइव एक्स के इक्वल था, तो आप उधार वापस करेंगे तो x y की जगह क्या पुट कर लेंगे, एक्स के प्लस फाइव एक्स, आगे प्लस सेवन और इस फैक्टर में प्लस थ्री मौजूद था, तो ये आपके फैक्टराइज हो चुके। अब सेकंड पार्ट सेम, एक्स के माइनस फोर एक्स है दोनों में, एक्स के माइनस फोर एक्स, एक्स के माइनस फोर एक्स, आप इसको क्या पुट करेंगे, वाई पुट करेंगे, वाई इंटू वाई माइनस वन, वाई क्या है माइनस ट्वेंटी, तो वाई वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर माइनस वाई, आगे माइनस ट्वेंटी, तो मल्टीप्लाई करने से माइनस वाई, मल्टीप्लाई करने से माइनस ट्वेंटी वाई वाई स्क्वायर पूरा हो, और प्लस माइनस करने से माइनस वाई। तो आपके पास जो इसके पेयर बनेंगे, माइनस फाइव प्लस फोर, इन दोनों में वाई मौजूद है तो
अब वाई का मान लेंगे, वाई माइनस फाइव आ जाएगा, इधर से प्लस फोर का मान लेंगे तो वाई माइनस फाइव, वाई माइनस फाइव दोनों में मौजूद है आपके पास, कॉमन आ जाएगा ये, इधर क्या बचेगा वाई, ये वाई आ गया और आगे क्या है प्लस फोर, तो प्लस फोर वाई माइनस फाइव इंटू वाई प्लस फोर, ये आपके पास दो फैक्टर बनेंगे। और ये अभी किसकी फॉर्म में, वेरिएबल वाई की फॉर्म में, आपका ओरिजिनल वेरिएबल क्या था एक्स था और आपने वाई उधार लिया था, चूँकि आपने वाई किसके इक्वल पुट करना है एक्स के माइनस फोर एक्स, तो वाई की जगह हमारा क्या आ गया एक्स के माइनस फोर एक्स आ गया, माइनस फाइव एक्स के माइनस फोर एक्स और प्लस फोर। अब मज़ीद इनके पेयर बनते हैं तो हम पेयर बनाएंगे, क्योंकि जहाँ तक फैक्टराइज हो सकेगा हम इसको फैक्टराइज करेंगे, हमें आंसर वहाँ पे आंसर के लिए छोड़ देना है जहाँ से आगे फैक्टराइज ना हो सके। तो इसके पेयर बनते हैं आपके पास माइनस फाइव प्लस वन, आपने एक्स फर्स्ट रूम में से कॉमन लिया और इधर से प्लस वन कॉमन लिया, अंदर क्या बचा एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव कॉमन लिया तो इधर एक्स प्लस क्या बच जाएगा वन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, ये एक्स माइनस टू एज ए होल का स्क्वायर है, इसको हमने स्क्वायर में क्लोज कर दिया, तो ये एक्स माइनस टू एज ए होल स्क्वायर साथ से चलता जाएगा। तो ये आपका क्या हो चुका फैक्टराइज, जो कि आपने करना था बेसिकली फैक्टराइजेशन। उसके बाद पार्ट नंबर थ्री है, इसमें आपको ये करना है कि आपको दो फैक्टर एक साथ जोड़ने हैं। अब आपने कौन से जोड़ने हैं इसके ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, इधर से प्लस टू और इधर से कांस्टेंट क्या लिया प्लस थ्री, इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर इनका आंसर आ जाए बाकी दो कांस्टेंट के सम के तो आप फर्स्ट टू को जोड़ देंगे, नहीं तो फिर फर्स्ट को ऐड करके देखेंगे थर्ड के कांस्टेंट के साथ, यानी प्लस टू प्लस फोर ये सिक्स आ जाएगा, प्लस थ्री प्लस फाइव क्या आ जाएगा प्लस एट, तो ये भी सेम आंसर नहीं आता, तो इस वजह से आप फिर किसको देखेंगे प्लस टू को देखेंगे, अब लास्ट प्लस फाइव के साथ ऐड करने से प्लस सेवन आ जाएगा, प्लस थ्री को प्लस फोर में ऐड किया तो क्या आ गया प्लस सेवन, अब दोनों का आंसर क्या आ जाता है प्लस सेवन आता है, तो इनको आप जोड़ देंगे एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव, इधर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, अब इन फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक किस्म का आपका पीछे जो अभी सेकंड और थर्ड फर्स्ट पार्ट किया उसके अंदर चला जाएगा क्वेश्चन, तो एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव से मल्टीप्लाई किया, उधर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर से मल्टीप्लाई किया, अब एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस टेन आ गया, इधर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व आ गया, अब प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स के साथ ऐड होकर क्या आ गया प्लस सेवन एक्स, इधर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स के साथ ऐड होकर क्या आ गया प्लस सेवन एक्स, अब दोनों में देखें एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स सेम टू सेम मौजूद है, इसी वजह से आपने वो सेम सेम पेयर जो जिनका सम इक्वल आ रहा था उनको जोड़ा था। अब अगेन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स को किसके इक्वल पुट किया वाई के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स की जगह क्या आ गया वाई प्लस टेन, इधर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स की जगह क्या आ गया वाई प्लस ट्वेल्व, तो चूंकि ट्वेल्व और टेन मौजूद था इस वजह से वो साथ लिख दिए, बाहर माइनस फिफ्टीन है, अब इनको मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर प्लस ट्वेल्व वाई प्लस टेन वाई प्लस वन ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन, प्लस वन ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन क्या आ गया प्लस वन जीरो फाइव आ गया आपके पास, अब प्लस वन ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन प्लस वन जीरो फाइव इसका फिर आप ढूंढेंगे प्लस फिफ्टीन प्लस सेवन, ये मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा प्लस वन जीरो फाइव और प्लस माइनस करने से क्या आता है प्लस ट्वेंटी टू, तो फर्स्ट टू में से आप क्या कॉमन ले लेंगे वाई कॉमन ले लेंगे, नेक्स्ट टू में से आप प्लस सेवन कॉमन लेंगे, इसमें से वाई कॉमन लेंगे वाई प्लस फिफ्टीन, इन दोनों के साथ क्या आ जाएगा वाई प्लस सेवन, अब वाई को आप दोबारा क्या पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स, इधर भी क्या पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स को पुट किया तो ये आपके फैक्टराइज के फॉर्म में आ चुके, ये दोनों मजीद फैक्टराइज नहीं होते इसलिए हमने इसको ही इधर आंसर बना के छोड़ दिया। अब इधर प्लस फाइव प्लस फोर माइनस फाइव के आंसर देते हैं माइनस वन, प्लस सिक्स और ये माइनस सेवन इनका सम लें तो ये भी क्या देते हैं माइनस वन, इसलिए जैसे ये लिखे हुए हैं सेम टू सेम हम इसी तरह इन दो को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इन दो को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी फर्स्ट का आंसर आया, अगले को मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर्टी टू ये आंसर आ गया, अब एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स इसका आंसर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स का क्या है माइनस एक्स, माइनस सिक्स सेवन एक्स प्लस सिक्स का आंसर क्या है माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इसको आपने क्या पुट किया वाई पुट किया तो क्या आ गया वाई माइनस ट्वेंटी वाई माइनस फोर्टी टू, इधर क्या है माइनस फाइव जीरो फोर,
अब वाई माइनस ट्वेंटी और वाई माइनस फोर्टी टू को मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर माइनस फोर्टी वाई माइनस ट्वेंटी वाई प्लस एट फोर्टी, आगे क्या है माइनस फाइव जीरो फोर। अब इन दोनों को प्लस माइनस करने से आपके पास आंसर क्या आता है, प्लस थ्री थर्टी सिक्स। अब प्लस थ्री थर्टी सिक्स आपके पास ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से प्लस थ्री थर्टी सिक्स पूरा हो, प्लस माइनस करने से माइनस सिक्सटी टू, तो माइनस फिफ्टी सिक्स और माइनस सिक्स ये आपके पास पेयर आएगा। अब फर्स्ट टू में से आप क्या कामन लेंगे, वाई कामन लेंगे, तो वाई माइनस फिफ्टी सिक्स आ जाएगा, माइनस सिक्स इधर से कामन लिया तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस फिफ्टी सिक्स। वाई माइनस फिफ्टी सिक्स दोनों में मौजूद है तो ये आपके पास कामन आ जाएगा, इधर क्या आएगा आपके पास वाई आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा माइनस सिक्स आ जाएगा, तो y माइनस फिफ्टी सिक्स वाई माइनस सिक्स। अब उधार आपने y का क्या लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो y की जगह आप क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फिफ्टी सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, अगेन इनके पेयर बनते हैं तो हम पेयर बना देंगे, इसका बनेगा प्लस सेवन माइनस एट और इसका बनेगा माइनस थ्री प्लस टू। अब इन दोनों में से फर्स्ट टू में से क्या कामन आया, एक्स कामन आया, इन दो में से क्या कामन आया माइनस एट, तो एक्स इंटू एक्स प्लस सेवन माइनस एट इंटू एक्स प्लस सेवन। इन दो में से जब एक्स कामन लिया तो एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री, इन दो में से प्लस टू कामन लिया तो एक्स माइनस थ्री। एक्स प्लस सेवन कामन आ गया तो इधर क्या आएगा, एक्स प्लस सेवन इंटू एक्स माइनस एट, एक्स प्लस माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू आपके पास ये आ जाएगा। तो आपके पास जो इसके फैक्टराइज करने से फैक्टर बने एक्स प्लस सेवन, एक्स माइनस एट, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू, ये आपके पास फैक्टर बने हैं। उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर फाइव है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस सिक्स। अब जिन दो मर्जी आप ऐड कर लें फैक्टर, यानी इनके ये जो कांस्टेंट हैं प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स, जिन दो को मर्जी ऐड कर लें, बाकी दो के सम के इनके आंसर इक्वल नहीं आते, इसलिए ये जैसे पढ़े हम इनको सेम टू सेम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू, इधर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस एटीन। अब इसके बाद इनको ये आपके पास ये काफ़ी शॉर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू आ गया, इधर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस एटीन, वो इनको ऐड करने से एक्स प्लस माइनस करने से। अब अगर आप इसको यहीं तक रोकना चाहें, आपकी मर्ज़ी, आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी, इसमें से जैसे आप करना चाहें। इनको खैर मैंने यहीं तक रोक दिया, तो आगे आप करना चाहते हैं कई जगह पे आपको मिलेगा एंड पे वो एक्स या वाई को डिवाइड करा के आगे इसके फैक्टर बनाए जाते हैं। खैर मैं ये क्वेश्चन यहीं तक रहता हूँ, आगे क्वेश्चन नंबर फाइव है, इसका पहला पार्ट है एक्स क्यूब प्लस फोर्टी एट एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटी फोर। ये आपके पास फार्मूला क्लोज होता है, ये देखें ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब इस फार्मूले में, और ये फार्मूला क्लोज होता है ए माइनस बी एज ए होल क्यूब। अब ये एक्स एक्स का क्यूब है और ये सिक्सटी फोर किसका क्यूब है, फोर का क्यूब है। उसके बाद माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, ये आपके पास माइनस थ्री ए स्क्वायर बी बनेगा माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, क्योंकि ए आपके पास एक्स है, बी क्या है फोर। उसके बाद प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए क्या है एक्स और बी स्क्वायर यानी फोर का स्क्वायर, तो आपके पास ए क्या है एक्स और बी क्या है फोर, यानी एक्स माइनस फोर एज ए होल क्यूब, ये आपके पास फार्मूला क्लोज होके आ जाएगा एक्स माइनस फोर एज ए होल क्यूब। उसके बाद सेकंड पार्ट है आपके पास एट एक्स क्यूब प्लस सिक्सटी एक्स स्क्वायर प्लस वन फिफ्टी एक्स प्लस वन ट्वेंटी फाइव। एट एक्स क्यूब यानी टू एक्स का क्यूब आएगा और वन ट्वेंटी फाइव ये किसका क्यूब आएगा, फाइव का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उसके बाद फार्मूला जैसे आपको मैं बता चुका हूँ पिछला माइनस का था, प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, यानी ये प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। अब इसको आपने लिखा प्लस थ्री ए स्क्वायर, ए आपके पास टू एक्स था, टू एक्स का स्क्वायर बी क्या था फाइव, तो फाइव आ गया, तो फोर एक्स स्क्वायर, टू एक्स का स्क्वायर किस में ओपन होगा, फोर एक्स स्क्वायर, फोर थ्री से मल्टीप्लाई होगा ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव से मल्टीप्लाई होगा सिक्सटी, सिक्सटी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर वाली टर्म कम्प्लीट होती है। उसके बाद इसको अगर देखें तो फाइव का स्क्वायर क्या आएगा ट्वेंटी फाइव, अब ट्वेंटी फाइव टू से मल्टीप्लाई होगा फिफ्टी, फिफ्टी आगे थ्री से मल्टीप्लाई होगा वन फिफ्टी और साथ में क्या है एक्स, तो ये टर्म कंप्लीट होती है प्लस वन फिफ्टी
एक्स आपके पास आएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी स्क्वायर बी प्लस सी एल स्क्वायर ये क्लोज होते हैं ए प्लस बी एज ए होल स्क्वायर। ए आपके पास क्या है 2x प्लस बी आपके पास क्या है 5 2x प्लस 5 एज ए होल क्यूब, ये आपके पास क्या आएगा आंसर आएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 108x माइनस 216। एक्स क्यूब यानी एक्स का क्यूब 216 या किसका क्यूब है 6 का क्यूब, आगे माइनस 3a² भी ये है और प्लस 3ab², तो एक्स स्क्वायर आएगा 3 6 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 18x² प्लस 3ab² b² यानी 6 का स्क्वायर 36 से 36 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 108 और साथ में क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला कंप्लीट करते हैं यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² भी प्लस 3ab² ये। तो फार्मूला आपके पास ए माइनस बी एज ए होल क्यूब ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, तो ए आपके पास था एक्स बी क्या था 6, तो एक्स माइनस 6 एज ए होल क्यूब में ये क्लोज हो गया। उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में आपके पास 8x³ माइनस 125y³ माइनस 60x² y प्लस 150x² इसमें अगर ए क्यूब ढूंढें तो आप ये 8x का क्यूब है और बी क्यूब ढूंढें तो 125y³ है, क्योंकि 8x किसका क्यूब है 2x का क्यूब है और 125 किसका क्यूब है 5y का 125y³ 5y का क्यूब है। तो ये 8x³ माइनस 125y³ आगे माइनस 3a² भी माइनस 3 ए आपके पास क्या है 2x, ये 2x का स्केयर आ गया क्योंकि 3a² है, आगे b क्या है 5y तो 4x² आ गया, 4x² आगे 5 से मल्टीप्लाई हुआ 20, 23 से मल्टीप्लाई हुआ 60x² y ये बन जाएगा जो कि ये वाली टर्म कंप्लीट होती है। आगे प्लस 3ab² ab² यानी 25y², 25 किससे मल्टीप्लाई हुआ 2 से 50, 53 से मल्टीप्लाई हुआ 150, 150xy², तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² ये आपके पास क्या है कंप्लीट फार्मूले में क्लोज होता है जो कि ए माइनस बी एज ए होल क्यूब में आ जाएगा। ए क्या है 2x माइनस 5y एज ए होल क्यूब, 2x माइनस 5y एज ए होल क्यूब। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूले कंप्लीट पे ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको 27 आपके पास 3 का क्यूब है, 8x³ 2x का क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो किसके बराबर होता है ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो ए प्लस बी यानी 3 प्लस 2x, ए स्क्वेयर यानी 3 का स्क्वेयर माइनस ए बी यानी 3 इंटू 2x प्लस बी स्क्वेयर यानी 2x का स्क्वेयर। तो अगर आप ये स्क्वेयर ओपन करें तो 3 का स्क्वेयर यहाँ क्या बनता है 9, आगे माइनस 6x, 2x का स्क्वेयर क्या बनता है 4x², तो 3 प्लस 2x इंटू 9 माइनस 6x प्लस 4x². उसके बाद पार्ट नंबर 2 है आपके पास 125x³ माइनस 216y³, 125x³ ये 5x का क्यूब है, 216y³ 6y का क्यूब है, 5x³ माइनस 6y³ ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए माइनस बी 5x माइनस 6y और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वेयर यानी 5x का स्क्वेयर क्या बनेगा 25x² प्लस ए बी यानी 5x इंटू 6y प्लस 30xy, बी स्क्वेयर यानी 6y² 36y² 5x माइनस 6y इंटू 25x² प्लस 30xy प्लस 36y² वाले में ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है और आई थिंक इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा, क्योंकि इसके बाद स्लाइड भी हमारी लास्ट ही है। 64x³ प्लस 27y³, 64 यू नो 4 का क्यूब है, 4x³ 27 ये 3y का क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर में आंसर देगा, ए प्लस बी यानी 4x प्लस 3y, ए स्क्वेयर यानी 4x² माइनस ए बी यानी 4x इंटू 3y प्लस बी स्क्वेयर यानी 3y का स्क्वेयर, 4x प्लस 3y ये 4x प्लस 3y आ जाएगा, 4x² यानी 16x² माइनस 4x इंटू 3y माइनस 12xy प्लस 3y² यानी 9y² यानी 4x प्लस 3y इंटू 16x² माइनस 12xy प्लस 9y² आपके पास आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 4 और लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का भी आखिरी ये पार्ट है, आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है,
8x क्यूब प्लस 125y क्यूब, 8x क्यूब 2x का क्यूब है, 125 5y का क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए आपके पास क्या है 2x, बी क्या है 5y, तो 2x प्लस 5y, ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर है माइनस ए बी 2x इंटू 5y है, एम प्लस बी स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर है 2x प्लस 5y, ये एज इट एज आ गया। 2x का स्क्वायर आपके पास क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 5y, ये क्या हो जाएगा माइनस 10xy, और उसके बाद 5y स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर, तो 2x प्लस y इंटू 4x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 25y स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ये थी एक्सरसाइज 5.2 नाइन्थ क्लास की। उसके बाद हमारे पास 5.3 है और 5.4 है। 5.4 इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में वो दोनों एक्सरसाइज देखेंगे 5.3 और 5.4। 5.3 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के लिए कराया जाता है, तो बाकी उसके छोड़ दिया जाता है। 5.4 लॉन्ग के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह 5.4 भी अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई इशू है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कीजिए। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।